नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना क्या है और इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और इसका आप लाभ उठा सकें। अगर आप लोग किसान हैं और आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ में ही आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना भूलिएगा। अगर आप इसे शेयर करते हैं तो ये और लोगों के पास में भी पहुँचेगा जिससे वो भी इससे जागरूक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो किसान कृषि करने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है और कोई कोई ऐसे किसान होते हैं जिनके पास में इतना धन नहीं होता है कि वो अपना कृषि कर सकें, इसके लिए एक योजना शुरू की गई है जिसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड लोन योजना। यदि आप एक किसान हैं और इस योजना के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद में आप इसका लाभ पूर्णतः उठा पाएंगे। साथ ही इस योजना का उद्देश्य आपको ये भी मिलता है कि आपको कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है जिससे वो अपनी कृषि गतिविधियों को आसानी से चला सकते हैं। आप इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की संपूर्ण जानकारी और इससे आपको योजना को लाभ कैसे आप उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना आखिर है क्या। इसको हम बोलते हैं, ये एक प्रकार का ऋण होता है जो बैंकों द्वारा दिया जाता है और सस्ते ब्याज दर पे आपको मिलता है। इस योजना को भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड द्वारा मिलकर 1998 में या 1998 में शुरू किया है। इस योजना के तहत आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर जमीन के कागजात जमा कर कृषि के लिए ऋण ले सकते हैं या फिर लोन ले सकते हैं। किसान क्रेडिट लोन योजना के क्या क्या लाभ आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आसान शर्तें होती हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट या बहुत ज़्यादा शर्तों के नियमों का पालन नहीं करना होता है। क्रेडिट कार्ड लोन योजना की शर्तें अन्य सरकारी लोन के मुकाबले बहुत ही आसान होती है। यहाँ पे आपको कम ब्याज दर देना पड़ता है और जगह आपको बहुत ज़्यादा 12 से 13%, 28% तक की ब्याज दर देना पड़ता है, पर यहाँ पर केवल आपको सिर्फ 4% तक का ब्याज दर देना पड़ रहा है। इस योजना में मिलने वाले लोन पर ब्याज दर अन्य लोन की तुलना में बहुत ही कम होती है। यहाँ पे आपको साहूकारों से छुटकारा मिल जाता है। इस योजना में किसानों को साहूकारों से लोन की जरूरत नहीं पड़ती है जिससे उनका शोषण नहीं होता है और उन्हें अतिरिक्त धन या ऋण नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और उससे आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि भी मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान अपने खेतों की जुताई और फसलों की सिंचाई समय से कर पाता है जिससे उनके उत्पादन में आपको वृद्धि होती है और इसमें आपको भरपूर लाभ भी मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना की ब्याज दर क्या होती है, यहाँ पे आपको क्या ब्याज दर मिल रहा है। यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लोन लेते हैं तो आपको इसकी ब्याज दरों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का लोन अगर आप लेते हैं तो उस पर आपको 4% ब्याज दर देना होता है मात्र, जिसमें 2% की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा मिल जाती है। यदि आप समय पर लोन चुका देते हैं तो आपको 3% तक प्रोत्साहन राशि भी मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका कुल मिला के फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। किसी और से अगर आप धन ले रहे हैं या ऋण ले रहे हैं उससे अच्छा आप यहाँ पे जाके किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लोन ले सकते हैं और अपनी खेती समय अनुसार और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना 2024 की अवधि कितनी अवधि है। किसान क्रेडिट कार्ड एक ओवरड्राफ्ट की तरह काम करता है जिसमें आप चाहें पैसा जमा करें या निकाल सकते हैं। यह कार्ड 5 वर्ष के लिए दिया जाता है और 5 साल के बाद आपको इंटरेस्ट जमा करके इसे फिर से आप रिन्यूअल करा सकते हैं। इसकी ये खूबसूरती है। किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना के आवश्यक दस्तावेज, अब यहाँ पे आपको जो दस्तावेज हैं वो क्या क्या लगेंगे उसके लिए तो आपको पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड हर किसी के पास में है, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता या पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज होना बहुत ही जरूरी है। आप अपना मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज की आपकी फ़ोटो एक लगेगी जिससे आपको लोन मिलने में सुविधा हो जाएगी।
किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना 2024 के लिए आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड लोन अप्लाई करने के लिए आपको नज़दीकी बैंक शाखा में जाना होगा। आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे नज़दीकी बैंक होगा, उसमें आप चले जाइए। बैंक जाकर आपको सबसे पहले इस योजना के आवेदन फॉर्म को लेना होता है। उस आवेदन फॉर्म को लेकर आपको फिल करवाना होगा। अगर आपको फिल नहीं कर सकते हैं तो आप किसी और से फिल करा सकते हैं। आवेदन फॉर्म को आप भर देंगे। भरने के बाद में उस में जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं, जो से मैंने अभी आपको पहले बताया, उन दस्तावेज को अटैच करके आप बैंक में पुनः जमा कर देंगे। अंत में आवेदन फॉर्म को अपने बैंक में जमा करवा देना है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद में आपको आपका लोन मिल जाएगा और आप आसानी से अपनी खेती कर सकते हैं खुशी खुशी। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।